हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपने अपने हाथों में कैलकुलेटर को संभाल कर लीजिए। अब ये जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके लाइफ को, आपके बिजनेस को चेंज करने वाला वीडियो है। शायद ही आपको यूट्यूबर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आप एक मिथिलेश चौधरी का भी यूट्यूबर में जो हम वीडियो लेकर के आते हैं, इस तरह का वीडियो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आज बात करने वाला कि नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट, नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट की जब बात आती है तो फर्स्ट क्या आती है, मेजर द पर्सन। दूसरा क्या आता है, पर्सन के बाद क्या होता है, क्लाइमेट, मेजर ऑफ क्लाइमेट। तीसरा क्या आता है, मेजर ऑफ गुड्स। अगर तीन चीज का आपको नॉलेज नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तीन चीज का नॉलेज नहीं है मेजरमेंट का, तो आप जिंदगी में यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट नॉलेज ऑफ थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज ए पर्सन, सेकंड थिंग इज ए क्लाइमेट, थर्ड वन इज ए गुड्स। गुड्स बोले तो समान वस्तुएं। जिस तरह से आप किसी को आप मिलते हो, किसी से बात करते हो, आप उसको नाप तौल करते हो कि पर्सन कैसा है, तो पर्सन का आपको एनालिसिस आना चाहिए कि नहीं, मेजरमेंट आना चाहिए कि नहीं। किसी की आंखें देखने से, उसकी नाक देखने से, उसके होठ देखने से, उसके कलर देखने से आप मेजर कर लेते हो, नाप तौल कर लेते हो सामने वाला कैसी है, सामने वाला कैसा है, हमारे लायक है कि नहीं है, वो हमको बिजनेस देगा कि नहीं देगा। कॉल करते हो, कॉल पे उसका आवाज़ को सुन करके मेजर कर लेते हो, नाप तौल कर लेते हो, समझ जाते हो कि सामने वाला कैसा है, बोलने वाला कैसा है। हमसे जो मिलता है, हमको देख के हमारी शक्ल, हमारी सूरत, हमारा पर्सनालिटी, हमारा हाइट, हमारा एटीट्यूड, वो समझ जाता है हमको कि बंदा मिथिलेश चौधरी कैसा है। तो आपको नॉलेज ऑफ मेजरमेंट आना चाहिए, पर्सन को परख आनी चाहिए। चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, आप शादी करने के लिए जाते हो, अपनी लड़की देने के लिए जाते हो, अपने लड़के की शादी के लिए जाते हो, तो उसका फैमिली ग्राउंड देखते हो, उसकी माँ कहाँ की है, उसकी बहन कैसी है, उसका भाई कैसा है, उसका फादर क्या है, क्या करते हैं, इतना मालूम करने से उसका आपको मेजरमेंट आ जाता है कि बंदा कैसा है। टेलर के पास जाते हो, वहाँ पर टेलर के को बोलते हो कि मेरा पर्सनालिटी के हिसाब से क्या सही जाएगा। अक्सर एक्सपर्ट पर्सन रहेगा टेलर, तो आपको देखते ही बता देगा कि आपको जो शर्ट की जो साइज है 42 रहेगी, हाइट इतनी रहेगी, चेस्ट इतनी रहेगी, ब्रेस्ट इतनी रहेगी, तो सारे चीज आपको पर्सनालिटी के देख के बता देता है एक सेल्समैन। सर आप आपके लिए चाहिए, तुरंत आपके साइज के हिसाब से आपको निकाल के रख देता है। कि आपको पर्सन का मेजरमेंट करने आता है, मेजरमेंट नहीं करने आता है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। तो पहले जो है पर्सन का आवाज से, उसका बॉडी लैंग्वेज से, अरे यार बॉडी लैंग्वेज तो सब कुछ है, बापू है सबका बापू, क्या है बॉडी लैंग्वेज बोले तो सबका बापू है, बाप है, कुछ भी नहीं आता तो बॉडी लैंग्वेज से तुम कमाल धमाल कर सकते हो। अदर स्टेट में जाओगे तुमको कुछ भी नहीं आएगा, तुमको जोर से लाइटिंग लगी है टू फिंगर तो क्या करोगे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हाँ? प्यास लगी तो अरे भाई, तुम हाँ? तो बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा पावर है। तो आर फर्स्ट क्या बोला मैं, कि पर्सन को आपको एनालिसिस करने का नॉलेज है, पर्सन को एनालिसिस करने का नॉलेज शायद ही पांच आदमी को ही है देश में। किसको है, एक मुकेश भाई अंबानी को, रतन टाटा को, जो पांचवें जो है देश में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो लोग ही पर्सन को पहचाना है। बाकी सब लोग
कोई भी पर्सन को नॉलेज नहीं है। बचपन जिस दिन पर्सन का नॉलेज किसी को हो गया, अच्छे अच्छे कैंडिडेट को परख करके अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर लिया, अच्छे से मेन पावर को सर्च करके फिल्टर करके अपने बिजनेस में लगा दिया, पता है कितना आगे निकल जाएगा। पर्सन ही तो नहीं मिलता है, पर्सन ही तो प्रोडक्ट को ला प्रोसेस बनाता है, और प्रोसेस ही तो प्रोडक्टिविटी लाता है, और प्रोडक्टिविटी ही तो प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और प्रोडक्शन ही तो मार्केट में फैला देता है। तो पर्सन का पहले आपको नॉलेज नहीं है, परख नहीं है, तो फल नॉलेज ऑफ द पर्सन होना चाहिए। दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ द दूसरा क्या था, क्लाइमेट। आपको क्लाइमेट का नॉलेज है, अभी बारिश होने वाली है कि नहीं होगी, अभी धूप निकलने वाला है कि नहीं है, अभी हमको कौन सा कपड़े पहनना चाहिए क्लाइमेट के हिसाब से, किसी को भी क्लाइमेट का नॉलेज नहीं है, मौसम का नहीं नॉलेज है, एटमॉस्फेयर का नॉलेज नहीं है। तो जब तक आपको एटमॉस्फेयर का नॉलेज नहीं होगा, मौसम विभाग का नॉलेज नहीं होगा, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। कौन से समय में, कौन सा वक्त में, कौन सा समय में कस्टमर से कब बात करना चाहिए कि ऑर्डर देगा, आप उसको लंच टाइम में कॉल करोगे या रात को 10 बजे कॉल करोगे। क्लाइमेट मीन्स मौसम, एटमॉस्फेयर, कौन से एटमॉस्फेयर में आप किससे क्या बात करना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये आपका नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, आप सेल कर सकते हो तो बिजनेस कर सकते हो। तो नॉलेज ऑफ क्लाइमेट, नॉलेज ऑफ मौसम, ये नॉलेज के बिना हम इंसान अधूरे हैं। और जिसने ये नॉलेज कर लिया, क्लाइमेट का नॉलेज किया, अब किससे बात करना है, तो वही तो पांचवें स्थान पर पहुंच गया, वही तो देश का बापू बन गया। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है कि नॉलेज ऑफ गुड्स, मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। आपको मेजरमेंट करने आता है गुड्स को, मेजरमेंट करने आना चाहिए गुड्स को। जैसे कि आपका मान लीजिए, अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मेजरमेंट सब गुड्स की जब तक नॉलेज नहीं है, आपको मेजरमेंट ही नहीं मालूम है, तो आप बिजनेस खाक करोगे, सेल क्या करोगे। मान लीजिए आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है, किसी ने बोला कि हमको 350 फीट चाहिए, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 350 फीट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वन फीट इक्वल टू 300 mm, कितना, 1 feet equal to 300 mm। ठीक है, अब मान लीजिए उसको 350 फीट चाहिए, तो 350 into 300 equal to कितना हो गया, कितना हुआ, 105,000, कितना हो गया, 350 105,000 105,000। अब इसमें 1000 से डिवाइड करो, कितना आया, 105, इसे 1 feet equal to 300 mm। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 350 है, 350 है। ठीक है, तो 350 में अगर 300 से डिवाइड करें तो कितना होता, 1.16 हुआ। तो मान लीजिए 350 उसको स्क्वायर फीट चाहिए, तो 350 into 300 हम करते हैं तो कितना हो गया, कैलकुलेटर दीजिए। मान लीजिए कि आपका 300 एक फीट पे कितना 300 mm होता है। ठीक है, तो 350 into 300 इतना हो गया, डिवाइडेड बाय अगर 1000 करते हैं तो कितना हो गया, 105, कितना हो गया, 105। तो यहाँ पे अगर हम करा क्या हो गया, 1.5 मीटर हो गया, कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया, क्योंकि 1 meter equal to 1000 mm होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से मेजरमेंट आना चाहिए। कोई पूछेगा फीट में, पूछेगा बोलेगा आपको
5000 फीट चाहिए, बहुत लोग को इंच चाहिए, किसी को फीट में चाहिए, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। मान लीजिए कोई बोलेगा कि हमारा जो है 12 इंच है, हमारा जो है फीट भी कोई बोलता है, कोई इंच बोलता है, कोई मीटर में बोलता है, तो आपको मेजर में आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका मैस्टिक पैड है, मान लीजिए कोई बोलेगा कि हमको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, कितना स्क्वायर मीटर चाहिए। और बताइए कि मान लीजिए उसको 12 mm है, 20 mm है, 25 mm, और उसको 500 स्क्वायर मीटर चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले स्क्वायर मीटर में निकालना चाहिए। आपका जो एक साइज का कितना है, आपका 600 × 1200 है, तो इसको स्क्वायर मीटर में कैसे निकालेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 1000 से डिवाइड कर तो 0.6 हो गया, यहाँ पर 1.2 हो गया, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 0.6 × 1.2, तो आपका ये जो है एक सीट में इतना स्क्वायर मीटर हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 में आपको 0.72 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 0.72 तो आपको ये कितना हो गया, ये आपको 694। अब आपको ये इतना सीट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 694 में आपको ये देखना होगा कि इसका कितने का पैकिंग आता है, इसका 15 का पैकिंग आता, ये दोनों का 20-20 का पैकिंग आता, 10-10 का पैकिंग आता, तो हमको कितना सीट देना पड़ेगा, बात समझ में आ गया। उसी तरह से आपका जो है नेक्स्ट जो आता है मेजरमेंट, नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट, नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट, जैसे कि जो अगर मेजरमेंट का नॉलेज नहीं तो बिजनेस क्या खाक करोगे, ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब आप कस्टमर से ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, कस्टमर से भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए, कस्टमर को कन्वेंस करने आना चाहिए। मान लीजिए अब दूसरा टॉपिक है आपका होज पाइप का बात करते हैं, कोई बोलेगा कि हमको जो है 6 इंच का होज चाहिए, 20 फीट चाहिए, 20 फीट चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाते हो, 20 फीट को लेते यार क्या, आपको तो हमेशा मीटर में ऑर्डर देने की बात है, तो 20 फीट का मतलब हो कि 1 फीट में कितना होता है, 300, तो 1 फीट 20 feet × 300 इक्वल टू कितना हो गया, 6000 mm हो गया, ठीक है। तो 1 meter इक्वल टू कितना है, 1000 mm, कितना होता है, तो 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, मीटर में आ गया। तो आपको दिमाग तुरंत कैलकुलेट हो जाना चाहिए आपका दिमाग। जी सर, अच्छा आपके हाथ में कैलकुलेटर रहता, कोई भी ऐसा मार्केटिंग वाला नहीं जिसके पास कैलकुलेटर नहीं होता है। ओके सर, 6 इंच आपको 20 feet चाहिए, ओके सर, 6 meter हो गया सर, बहुत साइड फ्लेंच रहेगा, तो आपको बहुत साइड फ्लेंच में भी मेजरमेंट रहना मालूम होना चाहिए कि A750 के हिसाब से उसका PCD कितना आता है, OD कितना होता है, ये सारी चीज जब तक आपको नहीं मालूम है तो आप ऑर्डर कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट जो आता है, तो मान लीजिए कि आपका LDP सीट रहता, क्या रहता नेक्स्ट जो है आपको LDP सीट रहता, तो नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट आपको आना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग करते हो, सेल करते हो, तो नॉलेज ऑफ आपको आना चाहिए, आपको कोटेशन देते हो तो नॉलेज ऑफ द मेजरमेंट आना चाहिए, एक्सपोर्ट करते हो तो नॉलेज ऑफ मेजरमेंट आना चाहिए, पैकिंग कैसे रहता, एक में कितना पैकिंग रहता, तो नॉलेज ऑफ मेजरमेंट नहीं रहेगा तो आप बिजनेस को नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए कि LDPE सीट, ठीक है, अब LDPE सीट में कोई पूछेगा कि हमको 125 माइक्रोन्स में चाहिए, हमको कितना चाहिए, तो 1000 स्क्वायर मीटर चाहिए, हा? कोई पूछेगा 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, हा? ठीक है,
तो मेजरमेंट आपको आना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर पावर टू, स्क्वायर फीट का मतलब होता है मीटर स्क्वायर फीट पर पावर टू। क्या होता है इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसमें दो ही क्रिटेरिया रहता है, एक लेंथ रहेगा एक विड्थ रहेगा। स्क्वायर जैसे वर्ड आएगा उसमें क्या रहेगा आपको दिमाग में आना चाहिए, दो ही चीज रहेगा, एक रहेगा लेंथ दूसरा रहेगा विड्थ। अगर वहीं पर कोई पूछेगा क्यूबिक, क्यूबिक तो थ्री फीट, क्यूबिक थ्री सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर थ्री। आगे समझ में थ्री जहां पर भी आएगा तो वहां पे आपको क्या हो जाए क्यूबिक उसको थ्री। जैसे वहां पर क्या रहेगा आपको लेंथ विड्थ और थिकनेस या हाइट बोल सकते हैं। कंटेनर में आपको लेंथ विड्थ क्यूबिक में ही लेना पड़ेगा कि कितना क्यूबिक एरिया लेगा। तो आप बेरिंग लोस्टमेरिक देंगे तो क्यूबिक में ही लेना पड़ेगा। सीट है तो आपको कोई भी सीट है तो स्क्वायर सीट वर्ड आते ही स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। कोई पैड है कोई इलास्टोमेरिक बेरिंग है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको लेना चाहिए। ठीक है आपको कंटेनर का चाहिए तो क्यूबिक मीटर में लेना चाहिए, सीबीएम में लेना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें आपको मेजरमेंट के अंदर आता है। और मान लीजिए किसी कस्टमर को 125 माइक्रोन्स का चाहिए तो पूछेगा कि भैया एक किलो में कितने मीटर आएगा। आपके पास सवाल करेगा कि हमको आप केजी में देना लेना चाहते हो कि मीटर में लेना चाहते हो, तो कोई मीटर में लेना चाहेगा तो आपको मीटर में देंगे। वही कस्टमर आपसे पूछता है कि हमको केजी में दे दो, और फिर पूछेगा कि 125 माइक्रोन्स का आपको एक टन चाहिए। ठीक है कितना चाहिए एक टन। अब एक टन में उसको कितना स्क्वायर मीटर चाहिए। देखिए कहीं पर कोई कुछ यूज कर रहा है चाहे एलडीपीसी का यूज कर तो कहीं पर फ्लोरिंग पर डालेगा तो फ्लोरिंग का तो मेजरमेंट लिया होगा कि हमारा इतना स्क्वायर फीट एरिया में उसको बिछाना है, सीटिंग करना है। चाहे सीट वर्ड जो भी आएगा, जैसे आपके घर में टाइल्स लगाते हो, ग्रेनाइट्स लगाते हो, पत्थर लगाते हो, तो आपको तो एरिया ही लोगे ना, कुछ एरिया में कितना पत्थर की जरूरत पड़ेगी। आगे समझ में तो नॉलेज ऑफ, जब तक आपको मेजरमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप मार्केटिंग क्या करोगे, बिजनेस क्या करोगे। कस्टमर पूछेगा तो आप अटक जाओगे वहीं पर, आप फिर अटक गए तो सटक जाओगे, फोन रख दोगे धीरे से। क्या बता रहे बहुत पूछ रहा है, अरे बाप रे बाप क्या क्या पूछ दिया है। तो जब तक आपको प्रोडक्ट किसका पूछोगे, उसको सर से पूछता तो आप क्या करते हो, सर को पूछता तो मैडम आप क्या करती हो, जिस फील्ड में आप निकले हो उस फील्ड के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास की पूरे बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, लेसन क्यों नहीं पढ़ रहे। आपका लेसन पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज रखना चाहिए। एक बार कोई कुछ बताया तो डेली वही पूछते रहोगे, आपको एक बार कोई कुछ बता दिया आपका सीनियर तो डेली उसको पूछते रहोगे। आप उसको नोट्स बनाओ, रिपीट करो, खुद उस पर चलने की कोशिश करो। बाप ने एक बार दिखा दिया स्कूल जाना तो डेली का बाप क्या स्कूल छोड़ेगा, आप भी अपने पैरों से जाओ तो भी आपको कुछ सक्सेस हो सकते हो ना। एक सीनियर को बार बार टॉर्चर करते रहोगे पूछते रहोगे तो सीनियर क्या करेगा, आपको ही बताते रहेगा। नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, नॉलेज ऑफ पर्सन, नॉलेज ऑफ द गुड्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट का नॉलेज जब तक नहीं आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एलडीपी का जो सीट का जो स्पेस डेंसिटी होता है कितना होता है, वन होता है, कितना होता है, कितना होता है, वन होता है। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब जैसे पानी की डेंसिटी वन होती है उसी तरह से एलडीपी सीट का भी डेंसिटी वन होती है। और जितने भी आयल प्रोडक्ट है, जितने भी आयल है पानी से उसका डेंसिटी कम होता है। ठीक है आपको मेजरमेंट के बता रहा हूँ, आप वीडियो पर बने नहीं घबराइए नहीं और हिलाइए भी नहीं वीडियो को। मेजरमेंट का जो है जो भी आपको लिक्विड आप लेते हो, लिक्विड जो भी आप यूज करते हो ना लिक्विड, उसका क्या होता है आयल जितना भी रहता है पानी से भी उसका डेंसिटी कम रहता है, मतलब हल्का रहता है।
तो पानी में कुछ भी डालोगे तेल को क्या होगा, फ्लोट होगा, क्या होगा, देखते हो ना, पानी में कुछ भी ऑयल डाल के दे दो, सरसों का ऑयल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, तो क्या होगा, फ्लोट होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। उसी तरह से आपका एलईपी सीट का जो डेंसिटी है, पानी और एलईपी दोनों का पानी में रख दोगे तो फ्लोट हो जाएगा, पानी के साथ ही साथ तैरेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, इसके मतलब पानी के बराबर है, तभी पानी के साथ चल रहा है। तो मान लीजिए कि वह आपका 125 का है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो मान लीजिए 1000 जो होता है, 1000 होता है, ठीक है, वन डेंसिटी की 1000 ml, वन है, इसमें आपको 125 से 1000 में डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना स्क्वायर मीटर आएगा, तो 8 आएगा, कितना आएगा, तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं सर आपको दिमाग में रहना चाहिए उसका डेंसिटी वन है तो 1000 होगा सर, 1000 माइक्रोन इक्वल टू 1 kg, 1000 माइक्रोन इक्वल टू 1 kg, एक अगर एक 1000 माइक्रोन का तो एक मीटर आएगा, 1 kg होगा, उसका डेंसिटी वन है इसलिए 1000 में 1 ही होगा। तो मान लीजिए जितना माइक्रोन का पूछेगा उतना माइक्रोन से आपको 1000 में डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, जितना माइक्रोन का पूछेगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा, अगर 125 माइक्रोन का पूछता है तो 1000 में 125 से डिवाइड करोगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 125 तो 8 स्क्वायर मीटर होगा, कितना होगा, 8 स्क्वायर, 1 किलो में 8 स्क्वायर मीटर होगा। अब मान लीजिए 200 का पूछेगा तो आपको 5 स्क्वायर मीटर होगा, 250 का पूछेगा तो कितना होगा, 4 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, आपको 300 का पूछेगा तो 1000 डिवाइडेड बाई 300 तो 3.3 स्क्वायर मीटर आएगा। उसी तरह 500 का पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 1000 तो 2 स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। तो आपको जब तक नॉलेज ऑफ गुड्स, गुड्स का जो मेजरमेंट आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते हो, ये मेरा चैलेंज ही नहीं है, ये सदा सत्य है, जिस तरह से सूरज पूरब में निकलता है सत्य है, ठीक है, धरती आसमान गगन, आकाश पाताल धरती, आकाश पाताल धरती, आकाश पाताल धरती, ये तीन चीज है, अगर जिसका नॉलेज आपको नहीं है तो आप किधर का भी नहीं रहोगे, एक बैलून की तरह, एक बिना लेवटा के पेंदी की तरह लुढ़कते चले जाओगे, जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से आपका नॉलेज ऑफ द आप होल्ड का कोटेशन दे तो नॉलेज ऑफ द प्रेशर होना चाहिए। कोई कस्टमर पूछ लेता है कि PSI हमको 150 PSI होना वर्किंग प्रेशर, कोई बोलता है कि हमको बार में होना वो 10 bar होना चाहिए, कोई पूछता है कि केजी पर CM स्क्वायर होता है, हा? ठीक है, आपको वर्किंग प्रेशर कितने तरह के लोग पूछते हैं, ध्यान दो, PSI में पूछते हैं, बार में पूछते हैं, केजी पर CM स्क्वायर बोलते हैं, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा मेजरमेंट का, प्रेशर का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे बार क्या है यार, PSI क्या है, केजी पर CM स्क्वायर तो मालूम है, कन्फ्यूज नहीं होने का। तो 1 PSI इक्वल टू 14.85 केजी पर CM स्क्वायर होता है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए 1 PSI इक्वल टू 14.85, तो आपको क्या करना होगा, तो राउंड अप मतलब 14.85 का मतलब 15 ही हो गया ना, तो आप इसमें 150 में आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 150 में 15 से डिवाइड करोगे तो 10 हो गया ना, हाँ, तो समझ लो कि 10 bar हो गया, तो 10 bar ये भी 10 bar, 10 bar का मतलब वही अदर कंट्री में बार बोलते, इंडिया में केजी पर CM स्क्वायर बोलते, केजी पर CM स्क्वायर। अब आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब ये चीज ये राउंड है, राउंड है तो केजी पर CM स्क्वायर लागू होगा, ये स्क्वायर है तो केजी पर CM स्क्वायर लागू होगा, और लेंथ विड्थ हाइट है तो क्यूबिक सेंटीमीटर लागू होगा, आगे समझे, तो आप
इसको सर्कमफ्रेंस को निकाल लिया जाता है। मान लीजिए कि आपका 100 mm का होज है, तो कितना हो गया 100 mm का होज को अगर पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना होता है 2/7, तो पाई का वैल्यू होता है 3.1428। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.1428। ठीक है, तो 100 है, ठीक है 100 है, तो 100 इंटू 3.1428 314 इतना हो गया। इस एरिया पे जो है आपको इतना प्रेशर देना चाहिए। इस तरह से जब तक हम नॉलेज ऑफ गुड्स का मेजरमेंट नहीं मालूम रहेगा, इस तरह के वीडियो हम काफी नॉलेजफुल लेते आएंगे और हमेशा लेके आएंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके साथ रहेंगे। और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको तो ये मिथिलेश चौधरी को आप याद रखिए, इसका चेहरा को पहचान के रखिए और इस चैनल को। और भी ज़्यादा नॉलेज के लिए आपको करना क्या होगा, हम अब नर्सरी से भी शुरू करने वाले हैं एजुकेशन। हमारा अगला सीजन जो आएगा वीडियो का 2025 में, हम नर्सरी से लेकर के इंटर क्लास के लड़कों तक का ग्रामर लेके आने वाले हैं, साइंस लेकर के आने वाले हैं, मैथमेटिक्स लेके आने वाले हैं। तो हम बिजनेस अभी हमारा जो चलेगा 2024 तक बिजनेस का सिलसिला चलेगा, और 25 तक अगर मैं जिंदा रहा तो एक नर्सरी से लेकर के इंटर कॉलेज क्लास वाले लोगों को ऐसा टैलेंटेड बनाऊंगा कि इंडिया में कहीं भी जाके अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।